हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल फिट मैक पर, जिसका एक ही स्लोगन है, फिट रखिए खुद को भी और अपने वाहन को भी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हमारे इंजन ऑयल के बारे में, जिसे हम लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम क्या है और ये कितनी तरह का होता है। और आपने अक्सर लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो कैन होती है उस पर कुछ ग्रेड्स डले हुए होते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, इंजन ऑयल के बारे में जानने से पहले हमें इसकी वर्किंग देखनी चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंजन के अंदर, तभी हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, पहला काम तो करता है लुब्रिकेट करने का। हमारे इंजन के अंदर जो पार्ट्स, मूविंग कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में ये फ्रिक्शन ना हो, वियर एंड टियर ना हो, ताकि हमारे इंजन की हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो एक तो ये काम करता है, दूसरा जब फ्रिक्शन कम होगा तो हमारा इंजन ज़्यादा हीटअप नहीं होगा, तीसरा इस ये कोई भी स्लज फॉर्मेशन नहीं होने देता, यानी कि कोई गंदगी जमने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारा इंजन अंदर से क्लीन रहता है। तो ये इसके बेसिकली काम है, जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है बहुत स्मूथ चलता है, अगर हमारा इंजन ऑयल अच्छा है। इसीलिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल ही डालना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कि हमारे पास कितने टाइप्स का जो इंजन ऑयल है वो अवेलेबल है। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके का इंजन ऑयल होता है। सबसे पहला है हमारे पास नॉर्मल कन्वेंशनल ऑयल, जिसे हम मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, और तीसरा है हमारे पास सेमी सिंथेटिक ऑयल। अब इनमें अंतर क्या क्या है? जो हमारा नॉर्मल मिनरल ऑयल होता है, वो हमारा क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाता है। बेसिकली ये तीनों ही क्रूड ऑयल, बेस मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल ही है, लेकिन क्या है, इनको बनाने का तरीका अलग अलग है। ये इसमें ज़्यादा एडिटिव्स नहीं मिलाए जाते, इसमें सिर्फ इसको रिफाइन करके बनाया जाता है। और जो हमारा फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है, इसको हम मैन मेड ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैन मेड केमिकल्स कंपाउंड इसके अंदर मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे मैन मेड बोलते हैं। और ये हमारा इसके मुकाबले कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं, भाई इसको बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसको बेनिफिट क्या क्या है इसके? एक तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑयल के, ठीक है। दूसरा, ये अपनी विस्कोसिटी जो है मेंटेन कर सकता है हाई टेम्परेचर तक और लो टेम्परेचर में भी, इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी है और थोड़ा बेटर भी है नॉर्मल ऑयल से। अब तीसरा हमारे पास आता है सेमी सिंथेटिक ऑयल। अब ये क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि उससे तो बेटर है लेकिन फुल्ली सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। नॉर्मल ऑयल से बेटर है लेकिन फुल्ली सिंथेटिक नहीं है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल मिनरल ऑयल के अंदर अगर हम सिंथेटिक ऑयल मिला के ब्लेंड कर दें तो हमारा सेमी सिंथेटिक ऑयल बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा नॉर्मल जो ऑयल है वो 2000 किलोमीटर तक चलता है और फुल्ली सिंथेटिक 4000 किलोमीटर तक चलता है, तो सेमी सिंथेटिक 3000 किलोमीटर चलेगा, मतलब ये इनके बीच का है, ठीक है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इनके ग्रेड्स के बारे में। आपने अक्सर उसकी कैन पर, मोबिल ऑयल की कैन पर कुछ नंबर लिखे हुए देखे होंगे, तो इनका क्या मीनिंग होता है, अब इसी के बारे में जानेंगे। एक्चुअली ये क्या है, ये विस्कोसिटी को बताते हैं, कि उस इंजन ऑयल की विस्कोसिटी की रेंज क्या है, वो कितना वेरी करता है। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको विस्कोसिटी बताना चाहता हूँ। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी क्या होता है, हमारा फ्लो की रिस्ट्रिक्शन को हम नंबर की टर्म में बताते हैं, यानी कि किसी भी फ्लो, किसी भी अगर हम फ्लूड को फ्लो करवाते हैं तो उसके फ्लो पे कितनी रिस्ट्रिक्शन है, उसको अगर हम नंबर की टर्म में बताएं तो हमारा विस्कोसिटी होता है। एग्जांपल के लिए, जैसे हमारा पानी है और हमारा तेल है, तो दोनों को अगर हम फ्लो करवाएं, पानी हमारा इजीली फ्लो होगा और जबकि हमारा तेल जो होगा वो बहुत स्लो फ्लो होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और जिसके फ्लो का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आसानी से फ्लो कर रहा है, तो उसका मतलब है वो कम विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी कम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो हमें क्या है, हमें एक ऐसी विस्कोसिटी चाहिए जो ना तो इतनी कम हो और ना इतनी ज़्यादा हो, मतलब आइडियल होनी चाहिए। क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी तो वो हमारा अच्छे से लुब्रिकेट नहीं करेगा इंजन को, और अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से इंजन के अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी विस्कोसिटी रखनी है जो कि हमारे इंजन के लिए अच्छे से काम करे, अपने इंजन ऑयल की। तो इन ग्रेड्स में आपने देखा होगा 5W30 लिखा है कहीं पे, या 5W40 लिखा है,
तो डब्लू का मतलब क्या है यहाँ पर? डब्लू का मतलब है विंटर, यानी कि ये लो टेम्परेचर को दिखा रहा है, यानी जैसे ये हमारा लिख रहा है 5W, तो डब्लू से जो जस्ट पहले वाला है वो है लो टेम्परेचर के लिए। लो टेम्परेचर पे, किसी स्पेसिफिक लो टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी क्या है, और जो हमारा बाद वाला है जैसे 40 या 50 वो बता रहा है किसी हाई टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी क्या है। यानी कि अगर जो पहली वैल्यू है जैसे 5W, तो 5 क्या दिखा रहा है, किसी कम टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी क्या है। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के लिए कंपैरिजन करें जैसे 5W30 या 0W30 है, तो उसमें क्या होगा, जो 0W30 है या 0W60 है वो हमेशा बेटर होगा 5W से। वो क्यों? क्योंकि 5W क्या है, ये दिखा रहा है ये 5 जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा वो गाढ़ा हो सकता है कम टेम्परेचर पे, और जितनी ये वैल्यू कम होगी इतना वो कम गाढ़ा होगा, यानी कम विस्कस होगा लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो हमारा बाद की वैल्यू है W के बाद वाली, जैसे हमारा 40, 50, इसमें उल्टा है, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए लें 5W40 और 5W50, तो 5W50 इज ऑलवेज बेटर देन 5W40, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है किसी भी हाई टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर पे जो हमारा जो इंजन ऑयल है वो ज़्यादा बेटर काम कर सकता है 5W40 से, ठीक है। तो ये एक तरीके से उसकी कैपेसिटी दिखा रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो जो मैंने बताने की कोशिश करी है कि हमारा इंजन ऑयल कितनी तरह का होता है और उसकी क्या क्या वर्किंग है और उसके जो ग्रेड्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी या अगर नहीं भी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करके बताना, और आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर तब तक के लिए बाय बाय।